मैं बंगाल की बात करूं तो वहां के लोगों ने स्पष्ट रूप में ममता जी के टोलाबाजी, तुष्टीकरण, करप्शन, तानाशाही, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब को नकारने का तय किया है और इससे तंग आकर वह भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा सपोर्ट दे रहे हैं और वह बड़ा स्पष्ट हमको देखने को मिलता है। जहां तक असम का सवाल है, वहां विकास, शांति, बोडो एग्रीमेंट, समृद्धि और संस्कृति की रक्षा, इसमें एनडीए की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। इन असम दी पीस एकॉर्ड एंड ब्रिंगिंग पीस इन असम, डेवलपमेंट इन असम एंड ऑल्सो टेकिंग प्रोटेक्टिंग द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ असम एंड प्रोटेक्टिंग द पीपल एंड सीलिंग द बॉर्डर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन असम विच हैज बीन सपोर्टेड बाय द पीपल ऑफ असम एंड इन द टू फेजेस वी फाइंड दैट वी आर इनकम्फर्टेबल वी आर गोइंग हैव टू हैव अ कम्फर्टेबल मेजॉरिटी एंड द थर्ड फेज इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम वे थर्ड एंड द लास्ट फेज इज ऑल्सो गोइंग टू गो इन द सेम वे। If I talk about Puducherry, people are fed up. Were fed up of the corruption of Narayan Swamy government. No activity took place, no development took place. And now the NDA, Ranga Swamy ji, NR Congress, BJP are going very strong. I was there in the afternoon. And I can say that clear cut, comfortably, we are forming the government there also.